बाराबंकी में पत्रकारिता को बिजनेस और व्यापार समझकर पत्रकारिता को तार तार करने वाले YouTube न्यूज चैनल के संपादक का ऑडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आप साफ तौर से सुन सकते हैं कि किस तरह YouTube के संपादक ऑडियो में एक खबर को चलाने के लिए अपने पूरे गिरोह के साथ मौके पर पहुंचे और खबर चलाने के बाद भिखारी की तरह मोटी रकम मांग रहे हैं और पैसे न मिलने पर चुम्मा लेने की बात कर रहे हैं। यही नहीं, वायरल ऑडियो में DS न्यूज के संपादक को लूटने खाने वाला बताया जा रहा है और इसी ऑडियो में पुलिस विभाग को तलब करने की भी बात कही जा रही है। जो ऑडियो है वह संपादक लवकुश यादव का बताया जाता है। तथाकथित पत्रकार पत्रकारिता का कितना सम्मान करते हैं इस ऑडियो से आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। जो माइक ID दिखाकर जनता के साथ लूट कर रहे हैं और विभागों में दहशत पैदा कर रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं वह ऑडियो, फिर सुनाएंगे पीड़ित का क्या कहना है। हेलो, हाँ दादा, हेलो, हाँ दादा, क्या हाल चाल बताओ, क्या दुकान लगायो है, लगायो का ऐसा खबर में जैसे हम सुबेन भेज दे रही और अनिल से भी बात कर लिया रहा है और से अश्विनी से बात कर लिया, अश्विनी कहना भी अंकरी कहीं भेज रहे हैं, अंकरी भेजे तो ऐसे अलग आवाज नहीं भाई, अब ये लगी नहीं है खबर का, कहाँ फोन करो खराब वाली एक्सीडेंट वाली नहीं एक्सीडेंट वाली चली गई है, लेकिन एक हो रहा है एक जैनाबाद की है, लोड हुई है। अरे हाथ तो का लगाओ का पुरान लोड हुई है जो साथ है तो है पवन लौकुश हम साथ हैं, कुलदीप लौकुश पवन हम तीन लोग साथ हैं। हाँ हाँ लौकुश सुनो, चल रहा है लौकुश, संपादक महोदय क्या हाल चाल है, बढ़िया है भौजी से बात कराओ, तुम क्या भौजी बात कराई तुमका, अब तुमका बात कर रहे भौजी से बात कराओ, आज चुम्मा मांगो लड़ाई पक्का करवा दे, अब कहाँ हो लूटे खा जा रहे हो, बाराबंकी आओ तो कुछ चाय पानी कराओ, लूटे खा जा रहे हो तुम्हारे पास पैसा हो आई का खर्चा करो, आज आ जाओ आज हम कहो ये जेल भेजवा दे, सुना दादा बात करो जरा, हाँ ले बात करो, खर्चा उमाम का दियो है खबर जो चलाए, देखिए ये जो खबर चलाई गई है DS न्यूज पर ये सरासर गलत है, इसके जो संपादक हैं दिनेश वर्मा संपादक हैं और इनके रिपोर्टर हैं लवकुश यादव, अश्विनी त्रिपाठी और पवन, इसी तरह कई रिपोर्टर हैं, इनका काम पैसे लेकर क्षेत्र में अवैध वसूली करना, उनको नए पत्रकार बना देते हैं पैसा लेकर के, उसके बाद वो लोग वसूली करते हैं, फिर दूसरे की प्रति खबर चलाते हैं और खबर चला के उसी के पास शेयर करते हैं, उसके बाद उससे मोटी रकम वसूलने की डिमांड करते हैं ये लोग, और जो उसका विरोध करता है तो उसको धमकी भी दी जाती है। अभी हम आ रहे थे तो जब रास्ते में मिले दिनेश कुमार जी से बात किए तो उल्टी सीधी जात सूचक शब्दों का प्रयोग किए, गालियाँ देने लगे कि हम पत्रकार हैं और हमारे पास एक बड़ी सी टीम है तो हमारा कुछ नहीं कर पाओगे, यही है कि जो ये DS न्यूज़ चल रहा है ये पूर्ण रूप से गलत है, ना तो इसका RNI है और ना कोई पेपर है, बस इनका मेन उद्देश्य है कि पैसे कमाना, सुबह से शाम तक 2-4-500 लेकर चले जाते हैं, शाम को शराब पीते हैं उसके बाद अपने घर चले जाते हैं, इनका यही मतलब है, और दूसरे की छवि को धूमिल करना, कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसकी छवि को धूमिल किया जाता है, बस इनका मेन मतलब यही है।